बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर फायद इलेक्ट्रिक DIY। उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पास सीलिंग फ़ैन है। तो आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो इनके कनेक्शन के मुतालिक है और इनके कैपेसिटर की वायर कौन सी है और किस वायर से जो चक्कर सीधे होंगे, तो किस तरीके से आपने इनके कनेक्शन करने हैं। ये हमारे पास जो सीलिंग फैन है ये 32 स्लॉट्स है और इसकी चेंज वेंडिंग है। तो इसके जो मशीन पे वेंड करने का तरीका है वो हमने पहले वीडियो में बता दिया है, लेकिन इसके कनेक्शन जो ऑटो पे चलती है मशीन, यानी कि ये यहाँ से देखें, ये हमारा फर्स्ट वाला जो इसके सिरा है वायर का, यहाँ पे है और आगे यहाँ से निकलेगा। तो इसके कनेक्शन जो होते हैं ये फिर इस तरफ को आएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। फिर अगले का इसी तरीके से यहाँ इसके साथ कनेक्शन होगा, यानी एक तक तीन इसके कनेक्शन बनते हैं। तो इसको ऑटो पे चलाना पड़ता है, ये दोनों साइड जो है ऑटो पे चलती हैं। तो इसमें वायर नंबर हमने डाली है, नीचे 32 है और ऊपर जो हमने रनिंग की डाली है वो 31 नंबर है। तो इसकी ये कोर आप देख रहे हैं, इसकी मोटाई देख रहे हैं। अगर इसकी कोर की मोटाई कम होती तो उसका लड़ा फार्मूला था। ये हमारे पास एक और सेम इसी तरीके का है, ये हमने सिल्वर में रिवाइंड किया है, यानी चाइना कॉपर जिसको बोलते हैं उसमें रिवाइंड किया है। तो कनेक्शन दोनों के सेम ही हैं, टर्ने भी सेम हैं, लेकिन इसके जो कनेक्शन हैं यहाँ पे, तो इसी तरीके से ये जो हमने एक साइड है यहाँ पे, ये हमने इसकी मेन वायर यानी रनिंग के जिसके साथ चक्कर सीधे में ये वाली है, इसको हमने यहाँ गांठ लगा दी है और ये हमने कॉमन कर दी है, यानी रनिंग और स्टार्टिंग के आपस में। ये देखें यहाँ से यहाँ तक, और इधर वाला जो सेट है ये फर्स्ट वाला, इस पे हमारी कैपेसिटर वाली वायर जो दूसरी है वो हमने लगा दी है। तो आपको ये कनेक्शन इस तरीके से करेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा, जब आप इसको फिट करेंगे तीन वायर के साथ बहुत इजी जो है कैपेसिटर के साथ आप इसके आसानी के साथ इसके चक्कर सीधे कर सकते हैं, आपको कोई उलझन नहीं होगी। इसी वायर से आप दोनों वायर को कैपेसिटर लगा देंगे और इसके साथ आप मेन वायर लगा देंगे और मेन जो एक हमारी होगी वो इस गांठ वाली वायर को लग जाएगी। तो इसी तरीके से दूसरे जो सीलिंग फैन हैं उनके भी कनेक्शन इसी तरीके से होंगे। तो ये भी हमारे पास एक 32 स्लॉट वाला सीलिंग फैन है, ये भी सेम है। तो अब आपको दूसरे सीलिंग फैन के दिखाते हैं कि कैपेसिटर किस तरीके से लगाना है। यहाँ पे देखें ये सीलिंग फैन को फिट किया है अभी, तो इसमें कैपेसिटर, ये दोनों वायर एक कलर की हमने कैपेसिटर को लगा दी हैं और ये वाली हमारी मेन है। अब इसी के साथ हमारे जो है रनिंग पे चक्कर सीधे हो जाएंगे। तो आप घर में जब इसी तरीके के कैपेसिटर वगैरह चेंज करना पड़े आपको तो आप बासानी इसको चेंज कर सकते हैं, यानी ये यहाँ पे हर किसी के साथ एक को जो है वो इस तरीके से गांठ लगाई होगी, वो मेन की निशानी होती है। अगर ना भी लगी हो तो इन दोनों में से आप किसी को लगा कर चेक कर सकते हैं और जिसके साथ आपके चक्कर सीधे हो जाएं उसी के साथ आपने इसको जो है वो मजबूत कर देना है। और एक जो सिंगल वायर एक कलर की होती है तो उसके साथ आपने एक मेन लगा देनी है। तो बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि लैदा लैदा कलर की वायर डालती हैं, उसको चेक करना पड़ता है, उसी में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो वो सीरियस मोड पे ही चेक होती है, वो इस तरीके से पता नहीं चलता उसका।
अब एक यहाँ देखें, ये ब्लू वाली को एक लगा ली और एक दूसरी कैपेसिटर वाली मेन के साथ हमने लगा दिए। अब इसके चक्कर चेक करते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल राइट साइड पे चल रहा है। तो इस तरीके से आप बासानी कैपेसिटर जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके साथ लगा सकते हैं। तो एक ये हमारे पास 36 वाट वाला सीलिंग फ़ैन है, उसको भी बिल्कुल उसी तरीके से कनेक्शन करेंगे जिस तरीके से वो 32 वाट वाले किए थे। इसमें ही अंदर 32 नंबर है और बाहर 30 नंबर है। तो इसकी भी वायर बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमने निकाल ली हैं। तो तरीकाकार सेम यही होता है, ये रनिंग वाली है और ये स्टार्टिंग वाली दूसरी जो कैपेसिटर के साथ लगेगी, और यहाँ पे ये एक हमारी कॉमन है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो मुख्तसर से ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।